नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा सातवीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विज्ञान में पाठ 3 जो आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म भाग 1 पहली वीडियो है यह प्रकरण 3 की, जिसमें आपको देखना है कि प्राकृतिक संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक अर्थात नाम से मालूम पड़ता है कि ऐसे साधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है कि जमीन पे रहते हैं। जमीन पे बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगा कि हमको प्रकृति ने दिया है। उसी प्रकार से आपको मालूम होगा जितने सारे प्राणी, चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी सजीव हो, ये सभी को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। अब ये हवा क्या है? प्राकृतिक। हवा का हम जो है कि निर्माण नहीं करते, यह हवा जो है कि हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त। अर्थात आपको मालूम होगा कि जितनी भी चाहे हवा है, पानी है, जमीन है, मिट्टी है, इसके अलावा बहुत सारे जो है कि खनिज संसाधन होते हैं जिसको हम भूगर्भ से प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें जो है कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग को एक एक करके इन संसाधनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान से देखिए। जैसे हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, हवा को समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं, थोड़ा याद करो। आप लोग पहली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, छठवीं में आप लोग को मालूम होगा कि हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हवा जो है गैसों का समांगी मिश्रण है। अर्थात इसके अंदर, इस हवा में बहुत सारे गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्गन है। इसके अलावा अल्प मात्रा में धूल के कण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। इन सभी को मिलाकर आपको मालूम है कि हवा का निर्माण हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वापस सुन लीजिए। हवा में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, इसके अलावा बहुत सारी जो है कि विषैले अल्प मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। इन सारी चीजों को, इन सभी गैसों को मिलाकर इस जो है कि हवा का निर्माण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी जो है कि गैसें एक मिश्रित रूप से पाई जाती है। अर्थात उसमें जो है कि हम पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन सी गैसें हैं। अर्थात इन्हीं को सबको हमको मिलाकर जो है कि अर्थात सम्मिश्रण, अर्थात आपको दिया गया है समांगी मिश्रण। इन्हीं सारी गैसों को मिश्रित होने पर इन समांगी मिश्रण बन गई है, और जिससे हम पहचान नहीं सकते। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो नींबू शरबत बनाते हैं, तो इस शरबत के अंदर पानी होता है, नींबू का रस होता है, नमक होता है, शक्कर होती है। जब ये सारी चीजें जब अच्छी तरह से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तब हम इनको पहचान नहीं सकते कि इसमें शक्कर कौन सी है, नमक कौन सा है, पानी कौन सा है। अर्थात ये सारे घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी, मतलब जितनी सारी गैसें हैं सभी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई है, और इन्हीं के जो है कि मिलाकर अर्थात सम्मिश्रण, अर्थात समांगी मिश्रण बन गया है। तो इस प्रकार हमारा जो कि पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा आपको इसमें दिया हुआ है कि हवा में उपस्थित भिन्न गैसों के क्या उपयोग है। आपको मालूम होगा कि हवा के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है, तो इन गैसों का क्या उपयोग है हम लोग देखेंगे। आपको मालूम होगा, इसमें आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा जो कि ऑक्सीजन है। तो ये गैसों का क्या हमारे लिए उपयोग है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा इन गैसों का हमारे लिए बहुत, अर्थात जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये गैसें जो होती है हमारे लिए जीवन का आधार है। अर्थात इसमें से आप अगर ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु के नाम से जानते हैं। समस्त सजीव, जितने भी सारे सजीव हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे विशालकाय, सभी को श्वसन की जरूरत पड़ती है, और वो श्वसन क्रिया के लिए आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन आवश्यक है। अर्थात ऑक्सीजन का उपयोग करके वो अपना जो है कि जीवन यापन करते हैं।
दूसरा इसके अलावा आपको मालूम होगा कि इस हवा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम होगा वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए अर्थात भोजन तैयार करने के लिए वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार जो है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है, अर्थात आपको मालूम होगा कि प्रकृति में आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, 78% जो है कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और यह 78% नाइट्रोजन गैस वनस्पतियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार मालूम है बहुत सारे जो गैसें पाई जाती हैं, इन सभी का जो है कि अपने प्रमाण के आधार पर जो है कि इनका बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, जिसका जो है कि हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, भिन्न भिन्न गैसों का उपयोग करके अपना जो है कि विकास करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे इस प्रकरण में आपको मालूम होगा कि हमारे चारों ओर हवा होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी हम हवा के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मुंह के सामने हाथ लेकर फूंक मारे तो हम हवा के स्पर्श का अनुभव करते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हवा हमको दिखाई नहीं देती, हवा हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तब हमको उसका आभास होता है, उसका अनुभव होता है। आपको मालूम होगा जब पत्तियां हिलती है वृक्षों की, तो उन पत्तियों को देखकर हमको लगता है कि हवा चल रही है। इसके अलावा जब मालूम रखा हुआ कोई कपड़ा अगर हिलने लगता है तो हमको लगता है कि हवा चल रही है, लेकिन वह हवा जो है कि हमको दिखाई नहीं देती, हम केवल उसका अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। अपने हाथ के पास या अपने हाथ को जो है कि मुंह के पास लेकर जाइए और फूंक मारिए, तो आपको मालूम होगा कि मुंह से जो है कि हवा निकली, लेकिन वह हवा आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे स्पर्श से हमको मालूम पड़ जाता है कि हवा जो है कि चल रही है, अर्थात महसूस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हवा को, अर्थात हवा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, इस हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हवा में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, अर्थात हवा के गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहला आपको गुणधर्म दिया गया है कि गैसों का मिश्रण होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह हवा का भार और द्रव्यमान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हवा में भार और द्रव्यमान ये दोनों पाए जाते हैं। भार आपको मालूम होगा जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर अर्थात जमीन की तरफ जो खींचा जाता है तो वह अर्थात भार भार कहलाता है। इसके अलावा द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान अर्थात वह जो है कि पदार्थ के अंदर निहित जो भी पदार्थ है उसके अंदर निहित जो द्रव्य की जो मात्रा है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो यह द्रव्यमान जो है कि आपको मालूम होगा कि हवा के अंदर ही पाया जाता है। हम लोग एक प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग में आप देखिए, आपको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रॉ लिया है। इस स्ट्रॉ के दोनों सिरे पर दो गुब्बारों को मैंने बांध दिया है। अब इस गुब्बारे को ध्यान से देखिए कि दोनों का पलड़ा अर्थात दोनों गुब्बारों का बैलेंस जो है आप देखेंगे तो आपको समान दिखाई दे रहा है, अर्थात जितनी हवा इसके अंदर भरी है उतनी ही हवा इस गुब्बारे में भी भरी, अर्थात दोनों गुब्बारों का बैलेंस जो है समान। लेकिन अभी क्या करता हूं कि मैं एक गुब्बारे का जो है हवा को निकाल देता हूं। तो जब मैं एक गुब्बारे का हवा को निकालता हूं तो आप देखेंगे इस गुब्बारे की जो हवा है अब देखिए ये गुब्बारे की जो हवा है अर्थात तो गुब्बारा ही उड़ गया। देखिए यहाँ तो यह गुब्बारा की जब यहां से मैंने यहां से निकाल दिया यह गुब्बारा दूसरी तरफ क्या हो गया, छूट गया। अर्थात आपको मालूम होगा कि जैसे ही मालूम है दूसरे गुब्बारे की हवा निकली, अर्थात आप देखेंगे कि एक गुब्बारा जो है कि छूट गया, अर्थात इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी है जिसके कारण इसका बैलेंस क्या है अधिक। तो जिससे हमको यह सिद्ध होता है कि हवा में जो है कि गैस होने के कारण जो है कि अन्य पदार्थों की तरह हवा का भार और द्रव्यमान पाया जाता है, अर्थात हवा में भी द्रव्यमान पाया जाता है, हवा में भी
भार होता है, तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि अगर मालूम है हवा के अंदर अगर किसी गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरी है तो उसमें भार और द्रव्यमान दोनों पाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा दूसरा चीज देखिए आपको वहां पर दिया है कि हवा में स्थान अथवा जगह घेरने के गुणधर्म पाए जाते हैं। अभी आप देखिए यह गुब्बारा आपको दिखाई दे रहा है, इस गुब्बारे के अंदर मतलब जितना देखिए जाहिर यहाँ पे हवा भर गई, अब इस हवा के स्थान पर कोई दूसरी चीज हम नहीं भर सकते, अर्थात जितनी हवा है उसके आधार पे इसमें जो है कि वह हवा जो है कि गुब्बारे के चारों तरफ अर्थात इसके अंदर जो है कि भर गई। अब उसके अलावा हम अगर कोई दूसरी चीज अगर इसके अंदर भरने जाए तो भरी नहीं जाएगी, अर्थात यह हवा जो है जहां तक है वहां तक वह अपने स्थान को क्या करती है ग्रहण कर लेती है, अर्थात उसको घेर लेती है। अर्थात आपको मालूम होगा कि हवा में स्थान अथवा जगह घेरने का गुणधर्म पाया जाता है, मतलब जहां तक यह मालूम है हवा जाएगी वहां तक वह अपनी जगह को घेर लेती है, कवर कर लेती है। इस कमरे में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि हवा है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, और इसीलिए मैंने आपको ये गुब्बारा दिखाया है। इस गुब्बारे के अंदर जो है कि हवा भर गई है अर्थात उसको जगह को घेर लिया है और जिसके कारण यह गुब्बारा फूल गया है। तीसरा आपको दिया है कि हवा में निश्चित आयतन का गुणधर्म पाया जाता है। अभी आपको मालूम होगा यह गुब्बारे का आयतन अलग है, यह गुब्बारे का आयतन अलग है अर्थात जिसके कारण यह गुब्बारा आपको देखिए फूला हुआ दिखाई देता है, अर्थात जिस जैसा गुब्बारे का आयतन है जैसा इसका आकार है उस आकार के आधार पर वह हवा जो है कि इसको घेर ले और जिसके कारण यह गुब्बारा आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो है कि हवा में आपको मालूम होगा कि हवा में भार और द्रव्यमान होता है, हवा को जो है कि स्थान अथवा जो है कि जगह को घेरने का गुणधर्म पाया जाता है, और तीसरा है हवा में निश्चित आकार का अर्थात आयतन पाया जाता है। ये तीन गुणधर्म मेरे प्यारे बच्चों आपको हवा के है, इसके अलावा और भी आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको एक आपको मैं बताऊंगा कि हवा का जो है कि किस प्रकार से जो है कि उसका दबाव होता है आपको मालूम होगा, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाऊंगा कि एक सिरिंज है, उस सिरिंज के आधार पे अभी आप देखिए कि हवा का जो है कि दबाव जो है कि सभी जगहों पे समान रूप से होता है, अर्थात आप देखिए यह मेरे पास एक जो है कि सिरिंज है, आप देखेंगे यह सिरिंज के अंदर हवा जो है कि है और आसानी से जिसके कारण यह अंदर और बाहर हो रहा है, अर्थात हवा का जो दाब है ये चारों तरफ से आप मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा इसके अंदर पड़ रहा है और जिसके कारण यह आसानी से स्टंप जो है इसका अंदर बाहर आसानी से फेल उड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इसके इस मुंह को बंद कर दे रहा हूं, अब इसके मुंह को बंद किया और इस पिस्टन को मैं बाहर खींच रहा हूं, जैसे मालूम है पिस्टन को बाहर खींचता हूं मुझे अधिक ताकत लगानी पड़ रही, और जैसे ही मालूम है जब पिस्टन बाहर आता है और जिसको मैं छोड़ता हूं वो आसानी अपने आप अंदर चले जाए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि आपको मालूम होगा कि हवा जो है कि चारों तरफ से समान रूप से इसके ऊपर दाब लगा रही है और जिससे यह पिस्टन आसानी से अंदर और बाहर जा रहा है। लेकिन जैसे मालूम है यहाँ पर मैं उंगली को रखता हूं तो इसके अंदर की हवा क्या होती है निकल जाती है। अब इस सिरिंज के अंदर आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हवा नहीं है अर्थात निर्वात है, लेकिन इसके बाहरी तरफ हवा का दाब बढ़ गया है और जिसके कारण इस पिस्टन को बाहर खींचते समय मुझे अधिक बल लगाना पड़ता है, और जैसे ही मैं इस पिस्टन को छोड़ता हूं वह अपने आप अर्थात हवा के दाब के कारण अपने आप अंदर चले जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हवा का जो दाब है ये सभी जगहों पे अर्थात चारों तरफ पे समान रूप से पड़ता है जिसके कारण यह पिस्टन आसानी से अंदर और बाहर आ जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया है कि हवा में ऐसे गैसों के अणु निरंतर हलचल करते रहते हैं, ये अणु जब किसी वस्तु से टकराते हैं तब उस वस्तु पर वे दाब का निर्माण करते हैं, हवा के इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा अभी आपको देखिए
कि वायुमंडलीय जो दाब होता है अर्थात जो हवा का जो दाब है ये सभी दिशाओं से एक समान है, अर्थात जो हवा के कण है ये चारों तरफ जो है कि क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जब किसी वस्तु के ऊपर ये दाब लगाते हैं तो इसी दाब को हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब। जैसे हम लोग मान लो किसी कपाट को अगर हटाना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बल लगाकर उस कपाट को धक्का मारते हैं, तो ठीक वैसे ही हवा भी क्या कर रही है, एक बल द्वारा यहाँ क्या कर रही है, दाब लगा रही है, और जिसके कारण क्या होता है यह आसानी से अंदर अपने आप चले जा रहा था। मैंने आपको बताया था जैसे मालूम है इस पिस्टन को यहाँ पे आप उंगली रखेंगे, इस पिस्टन को पीछे खींचेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं, अर्थात यह अंदर का जो है कि भाग अर्थात वहां पे हवा नहीं थी जिसके कारण वहां पे पूरा खाली था, लेकिन इसके बाहरी तरफ हवा का दाब अधिक था और इसी दाब के कारण क्या हुआ, यह पिस्टन जो है कि अपने आप अंदर चले जाता है। तो इस प्रकार जो है कि आपको मालूम होगा कि जो वायुमंडलीय दाब होता है सभी दिशाओं में समान होता है, अर्थात चारों तरफ जो है कि यह समान रूप से बल लगाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चंद्रमा के बारे में आप लोग सुने होंगे कि चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वहां पर जाकर कुछ खोज भी की, लेकिन वहां पर आपको मालूम होगा कि जो हवा है अर्थात वहां पे निर्वात है, वहां पे हवा नहीं है, और जिसके कारण जब वहां पे हवा ही नहीं है तो वहां पे जो है कि दाब जो है कि नहीं पाया जाता है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर वायुमंडलीय दाब नहीं। वायुमंडलीय दाब वहां पर होगा जहां पे हवा पाई जाती है। आपको मालूम होगा कि भूपृष्ठ के ऊपर जब आप लोग को मालूम है जमीन के पास अर्थात समुद्र के ऊपर जैसे जैसे मालूम है हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं वह हवा जो है कि कम होती जाती है, और अंतरिक्ष पे अगर था जो कि चंद्रमा पे पहुंचे वहां पे वायु बिल्कुल नहीं है, अर्थात वहां पे निर्वात पाया जाता है, और इसीलिए उस चंद्रमा पे वायुमंडल का नहीं। इसके अलावा आपको दिया गया है कि सामान्य रूप से समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101,400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सोचिए इतना अधिक दाब होता है कि 101,400 न्यूटन। सोचिए इतने बल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सर पर ढोकर चलते हैं, लेकिन उसका आभास हमको नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हवा का जो दाब है यह मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से समान रूप से, जितना दाब उसका ऊपर से पड़ रहा है उतना ही नीचे से पड़ रहा है, और जिसके कारण हम आसानी से हिल डुल सकते हैं अर्थात चल सकते हैं, जिसका हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से आपको मालूम होगा कि वायु दाब मापी से इसे मापा जा सकता है, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, अर्थात इस वायु का दाब मापी का जो आपको देख मालूम होगा यह एक जो है कि मापन है, इस मापन की सहायता से हम लोग वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं, अर्थात उस मापन की जो इकाई है उसे वायु दाब मापी के नाम से जाना जाता है, और यह जो है कि सभी जगहों पर अर्थात वायुमंडलीय दाब सभी जगहों पर समान रूप से होता है, चाहे पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से यह दाब जो है कि समान रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि हवा के दाब का परिणाम, कि हवा के दाब का परिणाम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, इस आकृति के अंदर यहाँ पे आप देखिए इसमें एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने यहाँ पे पानी भरा, अब इस पानी के अंदर एक स्ट्रॉ है और एक दूसरी स्ट्रॉ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही, तो इस स्ट्रॉ को हम लोग इस पानी की ग्लास के अंदर डालते हैं और दूसरे स्ट्रॉ से यहाँ से हम लोग मुंह से फूंकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही मालूम है यहाँ से फूकते हैं हवा को, तो इसके ऊपर की जो हवा है यह क्या होती है, हट जाती है, अर्थात यहाँ पर खाली हो जाता है, निर्वात हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पे कम होता है अर्थात हवा यहाँ पे नहीं पाई जाती है, यह पानी का फव्वारा जो है इस नली से होते हुए ऊपर आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे ही मालूम है यहाँ से हम यहाँ पे इस स्ट्रा से हवा को फूकते हैं तो इसके ऊपर जो है कि जगह खाली हो जाती है, और खाली होने से यहाँ पे वायु का दाब अर्थात कम हो जाता है,
और इस कम दाब के कारण इस ग्लास के अंदर जो है कि वायु का दाब अधिक हो जाता है और जिसके कारण यह दबाव पड़ने से यह पानी इस नली के माध्यम से बाहर निकल आता है और जिससे हमको यह फवारा दिखाई देता है। इस प्रयोग को आप घर में आसानी से कर सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए, दो स्ट्रा ले लीजिए, एक स्ट्रा को ग्लास के अंदर डालिए पानी के अंदर और दूसरे स्ट्रा को उसके ऊपरी भाग पे फूकिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस ग्लास में से पानी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, अर्थात यह हवा के दाब के ऊपर काम करता है। हवा का दाब होने से यह जो है कि पानी जो है कि ऊपर निकलता है, अर्थात आपको मालूम होगा इसी दाब के कारण, हवा के दाब के कारण दो स्थानों के हवा के दाब में अंतर आता है, तब हवा अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है, उस समय हमें पवन बहती हुई महसूस होती है, इसे हवा का बहना कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसे समझ लीजिए, आपको मालूम होगा कि हवा का बहना किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा कि यह हवा का जो बहना है यह हवा के दाब के ऊपर निर्भर करता है, कि जिस प्रकार आपको मालूम होगा दो हवाएं चलती हैं, एक समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ और दूसरा जमीन से समुद्र की तरफ, जब हवाएं बहती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये समुद्री हवा बह रही है या स्थलीय हवा बहती है, जो जमीन से बहती है उसको स्थलीय हवा कहते हैं अर्थात स्थलीय पवन कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दिन के समय जब सूर्य प्रकाश का तेज किरण जब भूपृष्ठ के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर जमीन गर्म होता है, और जब जमीन गर्म होती है तो यहाँ से संस्था जमीन के संपर्क में आने वाली जो हवा है वो भी गर्म होती है, और गर्म होने के कारण वह ऊपर उड़ती है, और जब यह ऊपर उड़ती है तो नीचे की पूरी जगह जो है पूरी खाली हो जाती है, अर्थात वायु का दाब जो है कम हो जाता है, और जब यहाँ पर वायु का दाब कम होता है तब क्या होता है, समुद्र का पानी ठंडा होता है, उसके संपर्क में आने वाली जो हवा होती है ठंडी होती है, अर्थात वहां पे हवा का दाब अधिक होता है। अब ऐसे कंडीशन में जब वहां पे दाब अधिक होता है तब समुद्र की ओर से हवा जो कि जमीन की ओर बने लगती है, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं समुद्री पवन, अर्थात समुद्र की तरफ से जो हवा जमीन की ओर बहती है उसे हम लोग समुद्री पवन के नाम से जानते हैं, अर्थात जमीन के पास हवा का दाब क्या हुआ, कम हुआ, और समुद्र की तरफ हवा का दाब अधिक हुआ, और जिसके कारण दो स्थानों के बीच की हवा के दाब के अंतर के कारण समुद्र की तरफ से वह हवा जमीन की ओर बढ़ने लगी, और इसीलिए मालूम है हम लोग देखते हैं कि हवा जो है दिन में समुद्र की तरफ से जमीन की ओर बढ़ती है, लेकिन रात्रि के समय इसी का ठीक उल्टा होता है, समुद्र जो है कि लेट जो है कि आपको मालूम होगा कि ठंडा होता है, दिन भर वो गर्म होता है और उसको रात को जाते जाते वह गर्म हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में समुद्र का पानी जो है कि गर्म होता है, अर्थात उसके संपर्क में आने वाली जो हवा होती है वो भी गर्म होती है, अब जिसके कारण वह गर्म होकर हवा जो है कि ऊपर उठती है और वहां पे चारों तरफ क्या पूरा एकदम निर्वात पाया जाता है, खाली हो जाता है, अर्थात वहां पे हवा का दाब कम हो जाता है, लेकिन जमीन की तरफ जमीन जल्दी क्या होती है ठंडी हो जाती रहती है, और जब ठंडी होती है तब यहाँ इसके संपर्क में आने वाली हवा भी क्या होती है ठंडी हो जाती है, जिससे यहाँ पे अधिक वायु दाब का निर्माण होता है, और ऐसे कंडीशन में सब जमीन की तरफ से वह हवा समुद्र की ओर बहने लगती है, अर्थात अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है, और जिसे को हम लोग बोलते हैं स्थलीय पवन, अर्थात स्थलीय हवाओं के नाम से जानते हैं। तो यह दो स्थानों के बीच के जो अंतर है उसी दाब के कारण क्या हो रही है, पवन का निर्माण हो रहा है, अर्थात दिन में आप देख रहे हैं कि समुद्र से जमीन की तरफ और रात्रि में जमीन से समुद्र की ओर जो है कि हवा का बहाव होता है, अर्थात इन दोनों जगहों के जो हवा के दाब के अंतर के कारण इस हवा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है कि मेरे प्यारे बच्चों पवन बहती है और इसी को जो है कि हम लोग बोलते हैं हवा का बहना, अर्थात आपको मालूम होगा कि हवा के दाब के कारण दो स्थानों के हवा के दाब में अंतर आता है, तब हवा अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है, उस समय हम पवन बहती हुई महसूस होती है, इसे हवा का बहना कहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देखा, हवा के गुणधर्म कौन से हैं, हवा किस प्रकार बहती है, इसके अलावा हवा का दाब कैसा होता है, इस वीडियो में हम लोग देखे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और साथ में आपको यहाँ पे ग्रह कार्य दिया हुआ है, इस ग्रह कार्य को देख कर अच्छी तरह से लिखिए और शुक्रवार और शनिवार को अपने वीडियो में शेयर कीजिए। अर्थात देखिए, हवा के गुणधर्म कौन से हैं लिख कर आपको याद करना है, और दूसरा है हवा का बहना किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आपको जो है कि अच्छी तरह से लिख कर शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में इसको भेजना है, जिससे पता चले कि कौन बच्चा ग्रह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।